ओके गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मी राहुल अग्निहोत्री और आज सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म आने वाली है दिल बेचारा। और अभी एक घंटा बचा है, 7:30 के अराउंड वो आएगी मूवी हॉट स्टार पे और अभी 6:30 बज रहे हैं। वर्कआउट कर रहा हूँ अपना, फिर मूवी देखूँगा। वैसे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आई गेस सबके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे इंसान की मूवी देखना जो इंसान अब है ही नहीं दुनिया में। इट्स लाइक बहुत हैवी हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए तो ऑफकोर्स होगा, बाकी के फैंस के लिए भी होगा। लेट्स सी, अभी करते हैं वर्कआउट, फिर मैं मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत अपना व्यू दूंगा कि मुझे कैसी लगी। जो है हमारा चल रहा है चेस्ट सेशन, और मैं बता दूं कि मेरी चेस्ट जो है वो काफ़ी वीक है बाकी बॉडी पार्ट से। वैसे सबकी बॉडीज़ में कोई ना कोई एक वीक बॉडी पार्ट होता है, तो मेरी बॉडी में जो है वो चेस्ट है। और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हैवी कंपाउंड मूव आजकल काफ़ी कर रहा हूँ ताकि मेरी चेस्ट में जल्दी से जल्दी मसल मास आए और मेरी चेस्ट बिल्कुल बाकी बॉडी पार्ट की तरह इक्विवेलेंट हो जाए। और गाइस, उसके लिए मैं काफ़ी बढ़िया डाइट वगैरह सब दे रहा हूँ। और हाँ, फुल डे ऑफ ईटिंग बहुत जल्द आने वाली है मेरे चैनल पे, तो गाइस आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट किस बात कर रहे हो, सब्सक्राइब करके आना। मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज दिखा दी आपको, तो गाइस ये जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, वही होता है जो नानी कहती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अभी दिल बेचारा देखी है और टू बी ऑनेस्ट यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस मूवी को। मतलब कंप्लीट इमोशनल मूवी है ये, मैं एंड में रो गया टू बी ऑनेस्ट सच्चे में। और भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी मूवी है सच्चे में, और इस टाइप की मूवीज़ ना मैं हमेशा भाई बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। जब ऐसी एंडिंग हो जाती है, ऐसी कोई स्टोरी आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। और एक कनेक्ट था सुशांत भाई के साथ, और वो कनेक्ट और मुझे हैवी दे रहा, हैवीनेस दे रहा था मेरे माइंड को। और जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट इट एट द एंड टू बी ऑनेस्ट। और एंडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड लगी। मैं बाकी बताऊंगा नहीं, अब काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, और अगर जिन्होंने देख ली है भाई प्लीज़ स्पॉयलर्स मत देना, और प्लीज़ सपोर्ट करो
ये मूवी डेफिनेटली बिग स्क्रीन के लिए बनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो सीन हो रहा है उसकी वजह से ये मूवी नहीं जा सकती ऑब्वियसली, बट ये डेफिनेटली ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। और मैं अभी IMDb की भी साइट देख रहा था, उस पर भी इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो क्या कर सकते हैं, बट हाँ बाकी सारे लोगों की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। स्पेशल अपीयरेंस में सैफ अली खान भी थे, उन्होंने भी काफ़ी, उन्होंने बहुत छोटा सा रोल था बट दमदार था, बहुत छोटा था, एक या दो मिनट का होगा। और बाकी संजना जो है, जो फीमेल लीड है, वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने रोल प्ले करा है। आई गेस उनका काफ़ी अच्छा फ्यूचर मुझे लग रहा है देखने के लिए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और क्या ही बोल सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।